मेरे पास इत्तला आई है उसके मुताबिक इस बात पे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि आया ये जो मुल्ज़िम है ये जनूनी मुल्ज़िम था, क्या ये कुछ जादू टूना करता था कि मासूम बच्चियां जो हैं, क्योंकि जितनी बच्चियों की लाशें मिली हैं उनके साथ ज्यादती के बाद एक चीज जो है वो मुश्तरक है कि उनके जिस्म से खून निकाला गया है, वो खून जो है वो नसें काट के निकाला गया है, उन्हें मार के निकाला गया है, वो कितना निकाला गया है। अगर एक बच्चे एक शख्स जो जनूनी है तो वो ज्यादती के बाद बच्ची को छोड़ सकता था या बच्ची को बेहोश करके बैठ सकता था, उसके जिस्म के किसी अज़ा को काटना ये इस तरफ भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहीं कि शख्स को काला जादू या दीगर जो चीजें हैं ऐसा कोई शौक तो नहीं था या किसी और के लिए काम तो नहीं करता था, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जितना भी नजमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि यही बात मैंने भी कही थी कि 6 बजे तक ये चीजें वाजी हो जाएंगी, उन्होंने भी यही बात कहा कि 6 बजे तक हो जाएंगी वाजी हो जाएंगी, इसलिए कि तमाम टेस्ट जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये अब उनकी मुसद्दका रिपोर्ट लेना चाह रहे हैं ताकि किसी सूरत में भी किसी जगह पर भी कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि जिससे मुल्ज़िम को फायदा हो सके। और ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें उन बच्चियों के हवाले से भी जिक्र होगा कि जिनके पहले डीएनए हुए थे, जिनकी लाशें मिली थी, मगर आज तक पुलिस ने ये जहमत गुवारा नहीं की थी कि उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए या उन पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसलिए तमाम चीजों के हवाले से टाइम लग रहा है। हुकूमत पंजाब के कोई भी तर्जमान समेत कोई भी इसलिए ओपन होकर बात नहीं कर रहे कि वो चाह रहे हैं कि इसकी अनाउंसमेंट जो है वो वज़ीर आला पंजाब करे, और वो तमाम चीजें जिसका जो एक सवालिया निशान बन चुकी है, जो सब जानना चाहते हैं कि ये कहां से पकड़ा गया, कैसे किया गया, कैसे नहीं किया गया, इसका तमाम जो है वो सेहरा वो वज़ीर आला पंजाब के सर पे रखना चाहते हैं। इसलिए हुकूमत की तरफ से कोई अभी खत्मी तौर पर नहीं कहा जा रहा।